हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक और अभी मैं हूँ कोची में, केरला। सो अभी मैं जाने वाला हूँ फोर्ट कोची घूमने के लिए। मेरा सारा काम हो चुका है और मेरी ट्रेन है रात की, सो तब तक कुछ तो टाइम पास चाहिए, सो जाता हूँ और थोड़ा घूम के आता हूँ। मेरी सवारी है ना। कभी बैठे हो इतने एटीट्यूड में? कभी ऑटो में बैठे हो? कार वाला भी सोच रहा है, BMW उसके पास है कि मेरे पास है? भाई ये कितना दूर है, इतने में तो मैं मुंबई पहुंच जाता था। और जो अंकल ने इतना ड्राइव किया एकदम प्यारा, मेरी 2 घंटे की नींद हो गई अंदर, इसलिए मेरे को भी बहुत फ्रेश लग रहा है। वैसे तो मैं आ गया हूँ फोर्ट कोची, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है मैं आ गया हूँ। ये क्या है? इनसे स्ट्रीट देखता हूँ, अभी आगे जाके देखता हूँ। बेचारे कब से टेक पे टेक लिए जा रहे हैं, हर बार कोई ना कोई तो आ रहा है, तो मेरे अंदर का भी डांसर सब बाहर आ रहा है। एक तो गणपति का सीज़न आ रहा है, मेरे अंदर का वरात डांसर बाहर आएगा ना, ये लोग का मार्केट खा जाएगा। मैंने थोड़ी लोकल लैंग्वेज सीख ली है। आई एम लाइक C12H22O11। शक्कर हूँ मैं, शक्कर। जहाँ पे भी जाता हूँ उसे घुल मिल जाता हूँ। सो यहाँ पे अन्ना नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं चिटा। यहाँ पे वैसे बहुत फॉरेनर्स भी है, इधर एक इधर ही के है, देखो वैसे बहुत चिटा चिटा चिटा। शेरी चिटा। देखो भाई जगह तो काफ़ी अच्छी है, इधर आके कुछ तो खा लूँगा मैं। वहाँ पे चल रहा था डांस। और ये साइड किधर तो समुंदर है, ऐसे मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन मेरे को स्मेल से पता चल रहा है। पिछले जन्म में मैं डॉबरमैन था ना, तो मेरे नाक बहुत स्ट्रांग है ये जन्म में, तो मेरे को सब इधर किधर तो पता चल रहा है। नोको नोको, वो किधर तो लेके जा रहा है मेरे को, मेरे को नहीं जाना है। वो ये इधर एक काउंटर बैठे है, इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, नेट नीचे जाएगा। और बल्ब लगा है, इतने ऊपर कैरम कौन खेलता है? सॉरी यू कैन स्किप 10 सेकेंड्स फॉर दिस बैड जोक। आगे से रात को करते रहेंगे और लाइट्स लगाते रहेंगे ताकि मछली अट्रैक्ट हो, और फिर मछली आती रहेंगी जाल में, और तभी पिकाबू सीधा ऊपर करते रहेंगे और मछलियाँ फंस गई जाले में। चटा ऐसा नहीं पकड़ते, राइट हैंड ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर। हाँ बस, अभी डाल अभी डाल। हाँ बस, ये सब ये सब देख के मेरे को मेरे गांव की याद आ रही है। मेरा गांव गोवा है। नहीं लेके जा रहा हूँ फ्री में किसी को मैं। देखो ये सब लग रहा है मेरे बालों के लिए बने, घने बालों के लिए। क्या फ़ायदा बनके, मैं तो वैसे भी यूज़ नहीं करता। जगह तो घूमने लायक है, ठीक है। ये सब साड़ी में है क्योंकि कल है ओनम, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं साड़ी में, ट्रेडिशनल में, लुंगी में। मैंने एक बार पहनी थी लुंगी, 3-piece लुंगी, अंदर शॉर्ट्स, ऊपर लुंगी, उसके ऊपर बेल्ट। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ माय चेटा फ्रेंड, सीधा जाना है वहाँ पे, मुझे मिलेगा बीच। सो दिस चेटा विल बी लुकिंग बैक। देखा कि नहीं ऐसा रहे मेरे पे, आई डोंट केयर मैन। ये है बीच, मतलब मुझे बोला गया था कि आगे बीच आएगा, सो आई डोंट नो वो इसको भी बीच बोल रहे थे कि इससे भी बड़ा और आगे आने वाला है। So let's see. बेचारा ईगल, इस बच्चे के हाथ में उसकी दौर है। पंछी हमेशा आज़ाद चाहिए। अभी मैं जाके आज़ाद कर देता हूँ उस पंछी को, बेचारे को। लेकिन उसके पापा है, वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे उसके पापा हटेंगे ये पंछी आज़ाद हो जाएगा, और शायद से ये रोएगा, और शायद से वहाँ पे एक लड़के के पीछे 10-12 लोग भागते हुए दिखेंगे शायद से। इफ थिंग्स गो वेल तो ये समझ जाएगा कि मासूम जाने आज़ाद चाहिए। तो मेरा प्लान था कि नीचे से चल के जाऊँ, लेकिन वहाँ पे पानी ऊपर तक आ रहा है और मेरे को शूज़ गीले नहीं करने। दोस्त मैं रिच किड भाई, महंगे जूते पहनता हूँ इतने, जो पिछले 2 महीने से धोए नहीं है, लेकिन मेरे को ये पानी में तो नहीं धोना है उसको, बाद में धो लूँगा कभी घर पे जाकर। सो मेरा प्लान बहुत सिंपल था, नॉर्थ साइड पकड़ो और सीधा चल पड़ो जब तक मुंबई नहीं आता है। लेकिन फिर याद आया कि बीच में चार्जिंग के लिए पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो अभी सोच रहा हूँ कि और लोकेशन पे जाऊँ, थोड़ा और घूम लूँ। बैठा हूँ पत्थरों के किनारे, अपना बम्बास्टिक सिखवा रहा हूँ मैं, थोड़ा अगली जर्नी के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं। और मेरे गूगल फ्रेंड के द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे मरीन ड्राइव है, सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि असली मरीन ड्राइव कौन सी है, मुंबई वाली या फिर कोची वाली। सो वहाँ पे जाऊँगा, सनसेट देखूँगा, बस ख़त्म हो गया दिन। वहाँ से फिर कुछ तो खाऊंगा, कुछ
चल पड़ूंगा अपने सफर की ओर। हम तो गरीब आदमी, झोला लेके चल पड़े। वाह, वाइब दे रही है वाइब। यहाँ पे वो सब नहीं चलता है क्या? आई एम स्ट्रीट फोटोग्राफर, कैन आई क्लिक सम फोटोज वगैरह। मतलब मेरा नसीब इतना ख़राब है ना, मैं मुंबई में जाऊँगा ना तभी वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। सामने रहेगा ना सामने रहे। वो भी मेरे बाजू वाले को पूछेगा लेकिन मेरे को नहीं पूछेगा, जान दो। या अंकल तो मेरे को अलग वाइब दे रहे एकदम एस्थेटिक। भट्टी में जो नरम पाव डाला था अब वो कड़क पाव बन चुका है। अभी टाइम है भट्टी से पाव निकालने का। अभी मैं चला दूसरे लोकेशन पे, देख रहे हो पसीना, मैं थक गया। अभी जब ऑटो आएगी तब बैठूंगा। मेरे से नहीं अभी हिला जा रहा है। बहुत घूम लिया, बहुत जगह देख लिए, बहुत आर्किटेक्चर देख लिया, यहाँ का विंटेज आर्किटेक्चर देख लिया, नेट्स देख लिए जिस जगह जिसके लिए फेमस है वो सब देख लिया। अब लोग मुझे देख रहे क्योंकि मैं बीच सड़क पर बैठा हूँ और कैमरा पे ऐसे देख के बात कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट केयर। अभी मैं रखता हूँ ऑटो के लिए, रुका हूँ बस। मेरा प्लान था इधर आके सनसेट देखूंगा, मैंने ऑटो में से ही सनसेट देख लिया। सनसेट क्या, सन दिखा भी नहीं मेरे को, बस रंग बदलते हुए देख लिया मैंने। अभी देखता हूँ इधर आया देख लेता। ये ओनम वाइब, ये बहुत पसंद है सच में, बहुत अच्छा लगता है। और इधर आके मैं देखता हूँ ये, दिस इज नॉट मरीन्स यार, दिस इज व्हाट, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो यहाँ के लिए ये मरीन्स होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है ये। सो द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट विच वॉज हेल्ड बाय द सोल एलिजिबल जज मिस्टर प्रतीक प्रमोद डिचोलकर विच वॉज बिटवीन मुंबई मरीन्स एंड कोच्चि मरीन्स एंड द विनर इज बट ऑफ कोर्स मुंबई मरीन्स। ऐसा नहीं कि कोच्चि का मरीन्स अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे मुंबई का पसंद आता है। कोच्चि इज बीइंग हार्ड विथ मी। मरीन्स मरीन्स बोल के अभी मुझे बॉम्बे की याद आ रही है, अभी मुझे घर की याद आ रही है। वहाँ पे गया गोवा की याद आई, मेरे गांव की याद आई, यहाँ पे आया घर की याद आ गई। क्या चाहते हो कोच्चि तुम मेरे से? नहीं मैं रो देता हूँ एक कोने में। इट्स नॉट फेयर कोच्चि, इट्स नॉट फेयर, यू आर चीटिंग ऑन मी। सो ये है वो बोट जिससे मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये 45 मिनट्स घूमने वाली है, 150 रुपीज़ लेगी। पैसा इशू नहीं है, पैसा तो बहुत है मेरे पास, मैं इन सबकी टिकट खरीद सकता हूँ उनके पैसों से, इतना पैसा है मेरे पास। लेकिन मेरे पास चार्जिंग कम है, जो चीज़ ज़्यादा चाहिए थी वो चीज़ अभी फिलहाल कम है। लेट देम एंजॉय, भाई मेरे हिस्से का भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर लो। क्या ही एंजॉय करेंगे, मैं नहीं तो क्या मज़ा आएगा लोग को। वो ब्रिज, मुझे जैसे ब्रिज दिखा ना मेरे को अटल ब्रिज की याद आई जो गुजरात में है। उसके ऊपर एक रील बनाई थी, वो रील मेरे इंस्टा पे है, वो देख लो। वहाँ पे जाके मैंने सबके फ़ोटो ख़राब किए थे और बिना मार खाए वहाँ से निकल गया था। तो ये ब्रिज देख के मुझे वही याद आई और अपनी बोट चल पड़ी। स्पेस 2023 एकदम राइट टाइम पे आ गया हुआ अभी। और भाई साहब कैसे हो? चलो हम चले अंदर, देखो गणपति डेकोरेशन की याद आ रही है। वाह कोच्चि वाह, जुरासिक पार्क मोरी मैया। तो बवाल चीज हो गए। अरे ऑस्ट्रिच है, कौन सा ऑस्ट्रिच है? खाते पीते करके ऑस्ट्रिच है इतना मोटा, मैं चुपना, मेरे को नहीं पसंद आया, बहुत आवाज कर रहा है। तुम लोग अच्छे हो, क्यूट एकदम, दोनों मीठे मीठे एक साइड बैठे हो, ना शोर शराबा। ये देख पीछे से लाइन में, ये कौन सा है नाम नहीं दिखा उधर, वो बहुत डायनासोर आवाज़ कर रहा है यार, मतलब ही नहीं, सारा टेक खराब कर दिया उधर उसने मेरा। ये तो प्रॉपर फैमिली, सिर्फ तीन लोग, मम्मी पापा और बेटी, ये तो प्रॉपर फैमिली कपल है। ये जॉइंट फैमिली वाले, इधर से जॉइंट फैमिली वाला सेक्शन शुरू होता है। अरे भाई ये तो पता ही सिंगल है बे, इतने सालों से सिंगल है ये, हैप्पीली मैरिड कपल बस। अबे मेरे दोस्त यहाँ पे भी मिल गए मेरे को। हाय, क्या ये जेब्रा वाली मुर्गी कब से आ गई? अबे यार नाम तो लिखो, कैसे मालूम पड़ेगा है क्या चीज तू? ओ भाई तू सुबह चिल्लाता है रात को चिल्लाता है कौन तू? ये कहाँ से उठा के लेके आया यार लोग को? अबे कौन से देश के मुर्गे है बे?
भाई साहब आपका टाइमिंग क्या है, सुबह का रात का? ये प्रॉपर लग रही है देखो। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? मे आई नो हु यू आर? ओ सॉरी यू कांट सी एनीथिंग, इट्स माय बैड। ओके हैव फन। तू एक अच्छा है भाई, तू भले ही दूसरे देश का रहेगा लेकिन पहचान में आ रहा है। बाकी वो पीछे मुड़ के देख, एक भी पहचान में नहीं आ रहा है। हाँ देखा, तू जानता है मेरे को। हाँ तू भी कैसा थोड़ा जान पहचान का भाई, भले ही परदेसी है लेकिन कैसा थोड़ा जान पहचान तेरा। भले ही नाम नहीं मालूम मेरे को लेकिन शक्ल तो जानता हूँ मैं तेरी। वो जरा मुर्गों को समझा दे भाई। आर यू जोइंग ब्रो? मेरे को इनका नाम मालूम है, स्टुअर्ट लिटिल वाली दिल्ली। पर्शियन कैट्स फॉर सेल एंड दे आर टू क्यूट। तुमने पिंजरे में अच्छे नहीं लगते यार, कोई भी जानवर पिंजरे में अच्छा नहीं लगता। अबे लेने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, मैं बस वाइप करके चल रहा हूँ अपने घर के लिए। या अचार है, मैं तो कुछ लेने वाला हूँ नहीं यहाँ से। बैग्स है, बहुत कुछ है। मैंने मेरे भाई बंधु, मैं मेरे भाई बंधुओं से मिल लिया, वही बहुत बड़ी बात है। सच बोलो एकदम, जो भी ये देख रहा है उसको इसमें जाने का मन हो रहा है कि नहीं? जिस दिन मुझे चांस मिलेगा मैं तो इतना कूदने वाला हूँ, इसमें सारे वो कसर निकालूंगा आपसे जितने बच्चे। और ये रेटान बस मुझे बहुत अच्छी लगती है। एवरी विंडो इज इमरजेंसी विंडो, कुछ हुआ सीन मारो कूदी सब एक साथ बाहर। भाई इसमें जो वेंटिलेशन रहेगा ना वो सेंट्रल एसी को भी फेल कर देगा। दैट्स इट फॉर द डे। सो अभी मारता हूँ मैं कल्टी, मेरे फ़ोन की चार्जिंग हो रही है कम, इससे पहले कि वो स्विच ऑफ हो जाए मुझे पहुँचना है होटल पे, पटक से चार्ज को लगाऊंगा और मेरा ट्रेन है 10 बजे का। सो तब तक थोड़ा सा और चार्ज हो जाएगा, थोड़ा खा लूँगा एंड देन बाय बाय। सो इसके साथ एंड करते हैं व्लॉग। अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगली बार कुछ आओगे तो नेट देखने ज़रूर जाना। देखो तुम सारे फिशिंग नेट्स भर भर के क्या ये कर रही है, तो कर रही है क्या उसको, ऐसे लग रहा है जिसको। इधर मेरे दोस्त के साथ फिशिंग करवाए और उनका साथ दे उनके डॉग।